हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम तंदूर स्टाइल में मिस्सी रोटी बनाने जा रहे हैं। कुकर में हम इसे बहुत ही आसानी से बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो के लिए हमने इसमें एक बाउल गेहूं का आटा लेना है और 2 बाउल बेसन लेना है। आप बेसन थोड़ा कम भी डाल सकते हो। इसमें हम आधा चम्मच मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। हम इसमें पालक कटी हुई डाल रहे हैं, आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम डो रेडी कर रहे हैं, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके ही ऐड करना है। बेसन में जब हम बेसन का डो रेडी करते हैं तो इसमें पानी बहुत कम लगता है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं। डो हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, इसी तरह से हमारा डो रेडी होगा। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम मिस्सी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कुकर लिया हुआ है जो कि हमने किनारों से कटवाया हुआ है, इसकी किनारी नहीं है, इसमें रोटी आसानी से लग जाती है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको उल्टा करके गैस पे रख देंगे ताकि ये सारी साइड से अच्छे से गर्म हो जाए। सबसे पहले हम एक लोई रेडी करेंगे। कुकर हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इस पर सूखा बेसन लगाएंगे। हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, ये हमने ना ही ज्यादा मोटी करनी है और ना ही ज्यादा पतली करनी है, इसी तरह से हमने इसे बेलना है। अब हम रोटी के एक साइड पे पानी लगाएंगे इसे चिपकाने के लिए कुकर में। अगर हम ज्यादा पानी लगाएंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगी और उतरेगी नहीं। हमें पानी हल्का लगाना है और इस तरह से कुकर पे चिपका देंगे, थोड़ा ध्यान से चिपकाना है इसे, और इसे उल्टा करके रख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। बीच में हम चेक करते रहेंगे, इसे ध्यान रखना है, इसमें पानी ज्यादा नहीं लगाना है रोटी के एक साइड, अदरवाइज रोटी चिपक जाएगी। पानी ज्यादा लगाएंगे तो रोटी उतरेगी नहीं। देखिए ये सिकनी स्टार्ट हो गई है, अगर ये रोटी नीचे से ना उतरे इट मीन्स रोटी कच्ची है, तो इसे पकने तक का थोड़ा वेट करेंगे और फिर उतारेंगे। रोटी हमारी ऊपर से भी सिक गई है, देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है। आप इस तरह से उतार के इसे ऊपर भी सेक सकते हैं। रोटी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इस पे मक्खन या घी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें मक्खन लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से बनी है, कलर भी इसमें परफेक्ट आया है। इसी तरह से हम अपनी और रोटी रेडी करेंगे। हमारी मिस्सी रोटी रेडी है, आप इसे किसी भी सब्जी के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने पालक पनीर के साथ सर्व किया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।